बोकारो के बालीडीह थाना पुलिस ने चार पहिया वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन किया। इस दौरान चोरी की 3 लग्जरी कारों को बरामद करते हुए चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य सरगना समेत 2 लोग अभी भी फरार हैं। थाना प्रभारी नूतन मोदी ने बताया कि गिरोह का मुख्य सरगना सादाब अनवर गाड़ी मालिकों से गाड़ी भाड़े पर चलवाने के लिए बजाबता एग्रीमेंट करवा कर लेता था तथा बाद में गाड़ी को फर्जी मालिक किसी को बनाकर बेच देता था। इसका खुलासा तब हुआ जब कुरमीडी निवासी जितेंद्र कुमार की कार 19 अप्रैल को चोरी हुई। जितेंद्र के बताए अनुसार पुलिस जब जांच में जुटी तो चोरी की 3 गाड़ियां 3 जगहों से बरामद हुई। चोरी की घटना में अंतर जिला गिरोह सक्रिय है। बरामद की गई 3 गाड़ियां बोकारो की है। 3 मालिक गाड़ी किराए पर दिए हुए थे। इस मामले में गिरफ्तार बगोदर निवासी फिरोज अहमद ने घटना में संलिप्तता स्वीकार कर लिया है, जबकि प्रिंस कुमार पांडे तथा शादाब अनवर फरार हैं। फरार दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 19/4/22 को थाना में जितेंद्र कुमार सिंह के द्वारा सूचना दिया गया कि प्रिंस कुमार पांडे नाम का कुर्मीडी का एक लड़का है जो गाड़ी ओनर से एग्रीमेंट करवाता है सदाब अनवर और फिरोज अहमद को बुला करके, और उसके बाद कुछ दिन के बाद रेंट पे गाड़ी ले करके ये लोग गाड़ियों को बेच दे रहे हैं, जिससे उनके गाड़ियों का लोकेशन नहीं मिल रहा है और उनकी गाड़ी बेच दी गई है। उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों की रिकवरी की गई है और एक्यूज फिरोज अहमद की गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक बात सामने आया है कि ये लोग गाड़ी को एक बगोदर में बेचा हुआ था ये गाड़ी, और उसमें सदाब अनवर गाड़ी का ओनर कन्हैया सिंह बन करके उसको बेच दिया है 2.5 लाख रुपये में, जहाँ से रिकवरी की गई है बगोदर से। जिला के बाहर बेचता था तीनों गाड़ी, एक गाड़ी धनबाद से मिली है, एक बिशुनगढ़ से, एक बगोदर से।